हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सेक्टर है उसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम आ चुके हमारे एंजल वन के वेब पेज के ऊपर। एंजल वन ने सारी सुविधा हमें यहीं पर देके रखी है, कहीं दूसरी जगह जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एंजल वन का वेब पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर सर्च बॉक्स है, यहाँ से किसी भी स्टॉक्स को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, होम, वॉचलिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट, ठीक है। तो ये जो होम का एक ऑप्शन है ना, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो होम के ऑप्शन पे आपको दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा मार्केट जिस अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा ना, जैसे अप है तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड लिखे रहेगा, डाउन है तो दोस्तों बेयरिश ट्रेंड लिखे रहेगा, मार्केट अभी दोस्तों न्यूट्रल है तो वो भी लिखा हुआ है। तो हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जितने भी सेक्टर है ना, सबका नाम आ चुका है, कौन सा सेक्टर का आज सबसे अच्छा प्रदर्शन है, कौन सा सेक्टर सबसे बेकार प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रा। तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है सबकी लिस्ट सामने आ जाएगी, ठीक है, किसमें कितना अच्छा प्रदर्शन है। जैसे अदानी पोर्ट में अच्छा प्रदर्शन है, भारतीय एयरटेल में, ओपन इंटरेस्टेड भी आप यहाँ से देख सकते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्टेड यहाँ पर परसेंटेज में देख सकते हैं, सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल, बीईएल है, कौन कोर है, ठीक है, ये देखिए जीएमआर इंफ्रा है, आइडिया है, इंडिगो है, एलटी है, एनटीपीसी है, ये सब स्टॉक्स की लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये स्टॉक्स है जो फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हमने जैसे क्लिक किया, अब इसका चार्ट ओपन हो चुका है, देखिए सीधा हम यहाँ पर एनालिसिस करने भी आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, कैंडल यहाँ से इंडिकेटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बढ़िया इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अब इंडिकेटर दोस्तों बोलिंजर बैंड, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आ चुका है, आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, ये इंडिकेटर लग गया है। ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो मैं इसको डेली कैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। डेली कैंडल पे कुछ अलग दिखेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली कैंडल पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक बढ़िया ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे जो स्टॉक्स है ना, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए, ठीक है। अब उसके साथ ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये लेवल है 700 रुपए का, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए। अब आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सपोर्ट लेके बार बार क्या कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन बना के बार बार फेल हो रहा था, लेकिन इस बार इस लेवल को ब्रेकआउट मिल चुका है, मतलब स्टॉक क्या हो गया, कंफर्ट जोन में आ चुका है। तो आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉक्स को अगर हम यहाँ से सर्च करें तो देखिए, यहाँ से बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आ चुका है, इस पर क्लिक किया, ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। बाय सेल करना है तो देखिए, बाय का और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, बाय करोगे सेल करोगे, बाय करेंगे। क्वांटिटी डालने का रहा, कितनी क्वांटिटी लेना, चलो 100 क्वांटिटी इस प्राइस से कितने की आ रही है वो भी बता रहा है, फंड का रिक्वायरमेंट कितना है वो बता रहा है। प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। बहुत ईजी है दोस्तों एंजल वन के वेब पेज को यूज करना। उसके साथ ही अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं एंजल वन का, तो वहां पर भी बहुत शानदार फीचर लेकर आया है एंजल वन ने। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, आपको हमारा मोबाइल स्क्रीन देखने को मिलेगा। इनका एप्लीकेशन ओपन किया है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों इंस्टाटेट, क्या देखने को मिल जाएगा, इंस्टाटेट। अब इसका पेज ओपन किया, ठीक है, इस पेज पे हमें सारी सुविधा मिलने वाली है, दूसरे किसी भी पेज पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी यहाँ पर है, बैंक निफ्टी यहाँ पर है, प्रॉफिट लॉस यहाँ से देख लो, जो भी टाइम फ्रेम लगाना यहाँ से लगा लो, कैंडल यहाँ से लगा लो, साथ में इंडिकेटर यहाँ से लगा लो, चार्ट को यहाँ पर बढ़िया एनालिसिस कर लो, फिर यहाँ से दोस्तों आपको कॉल लेना कॉल ले लो, यहाँ से पुट लेना पुट ले लो, ठीक है। ऑप्शन चेन यहाँ से देख लो, ऑर्डर आप यहाँ से देख लो, ठीक है। उसके साथ ही ये देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में एक प्लस का आइकॉन दिया हुआ है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स आ गया, जो स्टॉक आपको वेब पेज पर दिख रहा है उसको हम बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो वो देखिए, ये वो स्टॉक यहाँ पर आ चुका है तीसरे नंबर पर, ठीक है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा उसका चार्ट, चार्ट को बढ़िया तरीके से आप एनालिसिस कर लो, ठीक है, यहाँ से एनालिसिस कर लो बढ़िया, ठीक है। उसके साथ ही आप यहाँ से बढ़िया अपना जो इंडिकेटर है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपको ऑप्शन दिया है बाय का और सेल का, आपको बाय करना है या सेल, तो हमें बाय करना है, चलो बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक किया, अब यहाँ पर क्वांटिटी डालें, कितनी क्वांटिटी लेना, चलो 100 क्वांटिटी लेना है, 100 क्वांटिटी डाल दिया। अब ये 100 क्वांटिटी इस प्राइस से कितने की आ रही है वो भी बता रहा है, साथ में बाय पे क्लिक करेंगे, साथ ही में कन्फर्म का है आप देख सकते हैं, कन्फर्म पे दोस्तों हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो ऑर्डर है दोस्तों वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ऑर्डर दोस्तों जैसे ही सबमिट होगा हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है हमें यहाँ पर दिखने लगेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करो, इंस्टाट्रेड को फटाफट से यूज़ करो, हमारे इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू दोस्तों।